अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बनाने लगी हूँ रेड सॉस पास्ता, तो रेसिपी को एंड तक देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले एक बाउल में मैंने पास्ताज और मैक्रोनीस को मिक्स कर लिया है। इनको बॉईल करेंगे, सबसे पहले वाटर लेंगे। जब ये थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो इसमें ऐड कर दूंगी 1 टीस्पून सॉल्ट एंड थोड़ा सा ऑयल ऐड करके इसको मिक्स कर लेंगे। जब पानी में अच्छी तरह बॉईल आने लग जाएगा तो हम इस पास्ता को ऐड करके बॉईल करते रहेंगे जब तक कि बिल्कुल ये सॉफ्ट नहीं हो जाता। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इसकी लुक से ही पता चल रहा है कि ये सॉफ्ट हो चुके हैं। आप थोड़ा सा इसको टच करके देखिएगा, अगर आसानी से टूट रहे हैं तो पास्ता हमारा रेडी है, तो हम इसको स्ट्रेन आउट कर लेंगे। नेक्स्ट अब हम लोग प्रिपेयर करेंगे अपनी चिकन। तो चिकन मैंने बोनलेस ली थी, इसको मैंने स्ट्रिप्स में कट कर लिया था। आप क्यूब्स में भी कट कर सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। उसके बाद इसको मैरिनेट करेंगे। मैरिनेशंस मैंने मेंशन कर दी हैं, आप लोग अपने हिसाब से क्वांटिटी ऊपर नीचे कर सकते हैं, वरना 1 टीस्पून मैंने हर चीज़ ऐड किया और ये बिल्कुल मुनासिब क्वांटिटी में है। उसके बाद अब इसको फ्राई करने के लिए सबसे पहले हम लेंगे गार्लिक ऑयल के साथ, इसको 30 सेकंड्स के लिए फ्राई कर लेंगे लो मीडियम फ्लेम पे। उसके बाद इसमें हम चिकन ऐड करके इसको तब तक कुक करेंगे जब तक इसका कलर थोड़ा सा चेंज नहीं हो जाता। आप लोगों ने फ्लेम मीडियम रखना, ज़्यादा हाई नहीं करना, ये ना हो चिकन जल जाए और अंदर तक पके भी ना। अब थोड़ा सा कलर इसका चेंज हो गया तो इसमें 1/2 कप वाटर ऐड करके मैं इसको जो है वो ढक दूंगी ताकि ये आराम से कुक होती रहे। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पानी सारा खुश्क हो चुका है, तो हमारी चिकन रेडी है, आराम से टूट रही है, सॉफ्ट है। तो इसमें ही हम अपने वेजीज ऐड कर लेंगे, कैप्सिकम और कैरेट। अच्छी तरह से इसको भी सौदे कर लेंगे ताकि चिकन के साथ ये भी थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। अब चिकन हमारी प्रिपेयर है, तो अब हम अपनी रेड सॉस तैयार करेंगे। अब टमाटो पेस्ट प्रिपेयर करने के लिए मैंने यहाँ पे लिए 3 से 4 टमाटो, उसको थोड़े से पानी के साथ ग्राइंड कर लिया था। आप लोग मार्केट से भी टमाटो पेस्ट का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं आता जितना क्या घर वाली पेस्ट का आता है। उसके अलावा ये सारी सीजनिंग हम ऐड करेंगे, मैंने इनको साथ ही एक बाउल में ऐड कर लिया था। आप शुरू करते हैं, सबसे पहले एक पैन में थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और स्मॉल मैंने जो है बिल्कुल छोटे साइज़ का एक प्याज लिया था, उसको अच्छी तरह से चॉप करके इसको फ्राई कर लेंगे और साथ ही अपनी टमाटो पेस्ट ऐड कर लेंगे। फ्लेम आप लोगों ने बिल्कुल थोड़ा रखना है क्योंकि कच्चे टमाटर का टेस्ट ना आए, इसलिए हमने इसको अच्छी तरह से पकाना है बिल्कुल लो फ्लेम पर। उसके साथ ही अपने सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड कर लेंगे, केचप और सारी सीजनिंग, और मैं थोड़ा सा पास्ता वाटर भी ऐड करूंगी। 1/2 कप मैंने यहाँ पे ऐड किया है, ये ऑप्शनल है, आप ऐड करना चाहते हैं, अगर नहीं तो कोई बात नहीं। उसके बाद इसको पकने के लिए रख देंगे ताकि कच्चे टमाटर का टेस्ट ना आए। 3 से 4 मिनट स्लो फ्लेम पर पकने के बाद जब इसको अच्छी तरह से बॉयल आ जाएगा तो 3 दफ़ा तो हम इसमें पास्ता ऐड करके अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब फाइनल स्टेप में हम लोग चिकन ऐड कर लेंगे। चिकन और वेजीज जो हमने सौदे की थी, सिंपली इसको असेंबल कर लेंगे पास्ता के साथ और अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। एंड पे ऑरिगैनो और पार्सली स्प्रिंकल करेंगे और हमारा रेड सॉस पास्ता रेडी हो जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी। तो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।